उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर खाच रोड तहसील में जमीन विवाद के चलते एक महिला को गोली मारी गई है। साथ ही उसके पिता व भाई पर लठ व पाइप से हमला किया गया है। महिला का नाम शमशाद भी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 47 वर्ष है। दरअसल उस्मान के नागदा रोड स्थित खेत पर चुन्नू लाला अपने साथियों के साथ पहुंचा, जहां पर शमशाद भी एवं उसके पिता उस्मान और भाई यूसुफ के साथ पाइप व लठ से मारपीट की गई एवं कट्टे से फायर किया गया। फायरिंग में शमशाद बी के पैर व हाथ में गोली लगी है। घटना के बाद घायलों को पुलिस सिविल अस्पताल खाच रोड लेकर आई, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला शमशाद बी को गंभीर अवस्था में उज्जैन रेफर किया गया। शमशाद बी के पुत्र का कहना है कि गांव के ही हिस्ट्री शीटर बदमाशों से जमीन विवाद चल रहा है। इस संबंध में पुलिस को भी अवगत करा दिया गया था, परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण यह घटना घटित हुई है। सर, आज खाचरोद में गोलीकांड हुआ है और महिला के साथ महिला के ऊपर हमला हुआ है, कुछ क्या जानकारी उसको लेकर? अभी थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें शमशाद भी उर्फ भूरी पति सही खान मुसलमान दुना से नागदा की है, इसको पैर में गोली लगी है। सूचना की तस्दीक के लिए हम मौके पर गए थे। महिला को अस्पताल में इलाज के बाद अभी उज्जैन रेफर कर दिया गया है। क्या घटना के पीछे कोई खास जानकारी से हाथ लगी है पता नहीं? अभी उनने तीन लोगों के नाम बताए हैं, चुन्नू लाला, समद लाला, छंगा लाला, और इन तीनों के बारे में जानकारी ली जाकर इनके जो आपराधिक प्रकरण है, इनकी जो शहर में मौजूद की सारी चीज़ों पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, विवाद का क्या मुख्य कारण हो सकता है सर? अभी वो अंडर विवेचना है, और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे वो हम लोग बाद में आपको बता देंगे। मेरे ससुराल की ज़मीन है, वहाँ पर मेरी मिसेस, मेरा छोटा वाला साला और उसमें मेरा ससुर साहब, ये तीनों वहाँ पर थे, घर में काम कर रहे थे। और मेरा बेटा छोटा जो इरफान है, वो मुझे लेना आया था। मैंने उसे फ़ोन किया, मेरे बेटा यार मेरे को ले जा, मैं पैदल हूँ। तो वो लेना आया था, और इस बीच में ये घटना करी, हमने इनको भागते हुए देखे, मुँह पर कपड़े बांध रखे थे इन लोगों ने। और अभी फ़िलहाल में मेरे लड़के को SDOP तोमर ने रोक रखा, अरविंद सिंह, SDOP अरविंद सिंह करके हैं शायद, उनने रोक रखा है, और उसका मोबाइल वगैरह जब्त करना है, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने उसकी माँ को मार दी इस टाइप से। और पुलिस टोटल उनको सपोर्ट कर रही है, कि हम तीन दिन पहले CM हेल्पलाइन पर भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, और उस कार्रवाई के अंदर उन लोगों ने कहा था कि बोला हम गए, SDO ने कहा था कि मैं जवाब दे देता हूँ अगर आपके परिवार का भी कोई देख लेगा तो, लेकिन आप ये कार्रवाई हटा लीजिए। ये क्या झूठा प्रकरण दर्ज कर रही है पुलिस आपके बेटे के खिलाफ? हाँ, ये कोशिश कर रहा है साहब, वहाँ पे झूठा प्रकरण दर्ज करने की। गोली मारी किन लोगों ने? लाला परिवार के लोगों ने मारी है, जिसमें चुन्नन लाला नाम है, एक समद है और एक छंगा लाला, और भी अन्य 8-9 लोग थे वहाँ पर। विवाद क्या है? विवाद को कुछ नहीं है, विवाद है मेरे ससुराल साले का है। मेरे साले ने किसी टाइम में मर्डर करा था उनके बाप का, वो विवाद है। और मेरी मिसेज ने खेत पे गया था, तो तुम खेत पे क्यों आए यहाँ पर? वो खेत पर कब्जा करना चाहते हैं उनकी ज़मीन पर। कितने की प्रॉपर्टी है? और प्रॉपर्टी तो करीबन ये मान के चलो कि 20-25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वो जबरन कब्जा करना, ये वो जबरन कब्जा करके हमें मतलब मार के भगाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीद खान।